तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं भाई फिर से एक न्यू ट्रेडिंग एप्लीकेशन के बारे में। और हम बात करेंगे एप्लीकेशन की भाई क्या रियलिटी एप्लीकेशन को हमें यूज करना है या नहीं करना है, एप्लीकेशन के भाई किस तरह का एप्लीकेशन है, क्योंकि मार्केट के अंदर कभी कुछ ही टाइम पहले लॉन्च हुआ है। क्या एप्लीकेशन के यहाँ पर रियलिटी रहने वाली एप्लीकेशन को यूज करना है या नहीं करना, विड्रॉल डिपॉजिट सारे ऑप्शन के बारे में यहाँ पर आपको मैं क्लियरली इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। और आप अगर इसे प्ले स्टोर पर सर्च करेंगे तो आपको ये जो प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन अवेलेबल है यहाँ पर आपको मिल जाने वाला है। लगभग 10,000 के इसके डाउनलोड्स हो चुके हैं, यहाँ पर 23 के आसपास रिव्यू आ चुके हैं और अच्छी खासी से रेटिंग भी दी गई है। पर मैं रेटिंग और यहाँ पर रिव्यू पर कई बार कम ही जाता हूँ, क्योंकि मुझे ट्रस्ट रहता है कि नहीं, रिव्यू और जो प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन अवेलेबल है वो 100% कभी सेफ एंड सिक्योर नहीं हो सकती है। बट अपने एक्सपीरियंस से हम बात करने वाले हैं एप्लीकेशन की क्या रियलिटी है। तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा वीडियो कम्प्लीट जरूर देखें, ताकि आप लोगों से यहाँ पर कोई भी इन्फॉर्मेशन छूट ना पाए। और जिस ट्रेडिंग एप्लीकेशन के बारे में बात करने वाले, उस ट्रेडिंग एप्लीकेशन का नाम है वो वॉइस ट्रेड एप्लीकेशन। एप्लीकेशन को यहाँ पर ओपन करते हैं। एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद भाई कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने आ जाता है। जो हमें सबसे पहले ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है भाई, वो हमें कैंडल का ऑप्शन होता है, जिसे आप माउंटेन चार्ट भी बोल सकते हैं। और कई बार मैं कहता हूं कि नहीं भाई, इससे जो माउंटेन चार्ट होता है इसे समझना कोई ईजी काम नहीं होता है। इसे आप कैंडल के ऑप्शन में चेंजेस कर सकते हैं। बट अगर कैंडल के ऑप्शन के बारे में भी अगर मैं बात करूँ, तो अभी आप देखेंगे एक अनुमान के तौर पर अगर मैं इसके अंदर बताऊँ, तो 1 मिनट का जो भी 2-1.5 मिनट का मुझे टाइम मिला है, इसके अंदर एक चीज़ यहाँ पर मैं कंफर्म बता सकता हूँ कि क्या ट्रेड इसका रहने वाला है। अभी यहाँ पर देखिए किस तरह से ट्रेड चला है। तो अभी आप चेकआउट करेंगे तो लगभग इसका जो ट्रेड है वो हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे इसका लो यहाँ पर जाने वाला है। हमें यहाँ पर लोग कुछ कैंडल्स होती है जिनके थ्रू हम यहाँ पर जो एक्सप्लेन कर सकते हैं, जिसे हम आसानी से समझ सकते हैं। और अभी यहाँ पर लग रहा है कि ये डाउन की ओर जाएगा, तो हम यहाँ पर डाउन प्राइस की ओर इसको लगा देते हैं। हमने यहाँ पर इसके अंदर ट्रेड ले लिया है। अब ट्रेड लेने के बाद 1 मिनट तक यहाँ पर यह शो चलता रहेगा कि भाई क्या एप्लीकेशन के अंदर जो हम कैंडल से ट्रेड करते हैं उसे समझना ईजी है या नहीं है। अभी देखिए एक चीज़ बता देता हूँ, कैंडल के अंदर कुछ ऐसे कैंडल्स हमारे पास ज़रूर होते हैं जिसके थ्रू हम आसानी से समझ सकते हैं कि भाई कैंडल के थ्रू अब यहाँ पर जो प्राइस डाउन की ओर जाएगा या अप की ओर जाएगा। कैंडल का ऑप्शन मैं इसलिए आप लोगों को जो प्रेफर करने के लिए बोलता हूँ कि नहीं भाई, कैंडल ऑप्शन थोड़ा बेस्ट होता है। बट अगर 1 मिनट के अंदर हम चेकआउट करें, तो 1 मिनट के अंदर मैं कहूँगा कि नहीं भाई, 1 मिनट के अंदर जो कैंडल वाला ऑप्शन होता है वो थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा यूज़फुल नहीं हो, केवल 30 सेकेंड का वो अगर हम सेलेक्ट करें तो ज़्यादा बेटर भी रहता है। बट कैंडल वाला ऑप्शन के अंदर यहाँ पर ज़्यादा हमें बेनिफिट हो सकते हैं। जैसे अभी मैंने यहाँ पर जो ट्रेड लगाया, लगभग यहाँ पर जो ट्रेड लगा रहा हूँ, लगभग विन होने के चांसेस ज़्यादा रहने वाले। अब जो यहाँ पर से मैं ट्रेड लेना चाहूँ, तो यहाँ पर जो मैं ट्रेड लेना चाहूँगा, मैं लगभग अब डाउन अप की ओर यहाँ पर ट्रेड लेना चाहूँगा। क्योंकि अभी आपने जो मैंने कहा कि भाई, मैं हमेशा कहता हूँ कैंडल वाला ट्रेड मुझे यहाँ पर ज़्यादा समझ में आता है, तो आप देख सकते हैं कि भाई कैंडल वाले ऑप्शन के थ्रू मैंने ट्रेड लिया, 100% मैंने विन भी किया। ये एक ट्रिक होती है, इसलिए मैं कहता हूँ लाइनिंग के इंटरफेस को समझना, माउंटेन चार्ट को समझना कोई ईजी काम नहीं होता है। कैंडल को मैं बेसिक तरीके से आपको समझा सकता हूँ। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो इसके जो टाइमिंग फ्रेम के बारे में, तो टाइमिंग फ्रेम के क्वेश्चन नहीं है, डेवल टाइमिंग है कि भाई कितने मिनट तक आप ट्रेड कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट आप यहाँ पर इसका जो है 10 रुपये भी यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर जो इसके चार्ट के शीर्ष के बारे में देखेंगे, तो लगभग 75-76% की वैल्यू दी गई, और 70 के आसपास यहाँ पर इसकी क्रिप्टो करेंसी सारी की सारी दी गई 70%। तो यहाँ पर मुझे बेहतर लगा, बट यहाँ पर मैं कहूँगा कि बिल्कुल प्रॉफिटेबल नहीं, मैं नहीं मान सकता कंप्लीटली। इसके अलावा अगर मैं बात कर लें यहाँ पर जो हिस्ट्री के बारे में, तो हिस्ट्री रियल डेमो अकाउंट के अंदर भाई कितना ट्रेड, कितना लॉस किया, सारी चीज़ें आपके सामने शो हो जाती है। यहाँ पर आप देखेंगे तो हमने यहाँ पर जो 20 लगाया और 15 रुपये यहाँ पर हमें मिल चुका था, 1 मिनट का मैंने ट्रेड लगाया। इसके अलावा अगर हम बात करूँ बाकी ऑप्शंस के बारे में, तो हम यहाँ पर आ जाते हैं इसके ऑप्शंस के बारे में, जहाँ पर आप देखेंगे भाई आपको यहाँ पर जो डिपॉजिट कर सकते हैं भाई, डिपॉजिट आप यहाँ पर 100 जो है कम से कम 100 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं, ये आपको बोनस के थ्रू मिलता रहता है। विड्रॉल्स की अगर मैं बात करूँ, तो आप विड्रॉल मेक डिपॉजिट करेंगे, उसके बाद आप विड्रॉल कर सकते हैं, बैलेंस जितना होगा उस हिसाब से, बट ज़्यादा नहीं होगा। आपको अभी बता देता हूँ कि भाई कितना यहाँ पर हो जाता है। लेवल VIPA के अंदर जाएंगे तो आपको क्लियर आ जाएगा। मैक्सिमम सिंगल ट्रेड अमाउंट यहाँ पर 500 रखा गया है, यहाँ पर सिंगल विड्रॉल अमाउंट यहाँ पर 0 से 0 रखा गया। कुछ बताया नहीं गया, क्लियरली यहाँ पर नहीं बताया गया यहाँ पर ट्रेड अमाउंट का, ट्रेड अमाउंट बताया गया, बट यहाँ पर आपको विड्रॉल अमाउंट बिल्कुल नहीं बताया गया। जब आप राइट्स के अंदर आ जाते हैं, सेकंड के अंदर, तो आप सिंगल विड्रॉल 300 से 500 रुपए तक आप विड्रॉल कर सकते हैं, एक विड्रॉल आप कर सकते हैं, ये सारी चीजें आपको VIP राइट्स आपको मिल जाते हैं। इसके अलावा अगर आप बोनस के थ्रू आप देखेंगे, इसके अलावा इन्वाइटेड करके भी ये कह रहे हैं कि आप अपने दोस्तों को इन्वाइटेड करेंगे तो पैसा कमा सकते हैं। इसके अलावा साइन इन टू विड्रॉल यहाँ पर आपको मिल जाता है 2-2 रुपए, यहाँ पर जो है 20 रुपीज आप देखेंगे 2 डे बाद आपको 20 रुपीज यहाँ पर मिल जाता है, अभी बोनस नहीं किया है। दूसरे
दूसरे दिन यहाँ पर करूँगा तो 20 रुपीज़ मिलेगा, बट ये बोनस आप 100% यूज़ नहीं कर सकते जब तक आप यहाँ पर इसके अंदर कम से कम यहाँ पर एप्लीकेशन को अपना यहाँ पर पैसा ऐड नहीं करेंगे। अपडेट पासवर्ड का मतलब है कि अगर आप पासवर्ड भूलना चाहते हैं, भूल चुके हैं, तो इसको आपको क्लियरली पहले यहाँ पर जो है अपडेट कर देना है यहाँ पर जो है। इसके अलावा फंडिंग रिकॉर्ड होता है, विड्रॉल का, डिपॉजिट का, सारी चीज़ें हो जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर मैसेज का ऑप्शन आपको मिल जाता है कि आप डायरेक्टली इनसे बेनिफिट कलेक्शन आपको मिल जाते हैं, जिसे आप इनसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ अब मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन के बारे में, अब कुछ चीज़ें मैं आपको लोगों को पहले क्लियर जरूर करना चाहूँगा कि भाई यहाँ पर आपको यहाँ पर जो है क्या विड्रॉल डिपॉजिट के अंदर प्रॉब्लम तो आने के चांस यहाँ पर ज़्यादातर रहने वाले हैं। तो इसके लिए आपको एक ऑप्शन मिल जाता है भाई यहाँ पर बेस्ट तरीके से कस्टमर सपोर्ट का ऑप्शन, और आपको एक ऑप्शन मिलता है फंडिंग रिकॉर्ड का। यहाँ पर जाके आपको क्या करना होगा, फंडिंग रिकॉर्ड पर जाके आप लोगों को केवल और केवल यहाँ का स्क्रीनशॉट एक लेके रखना है भाई। जैसे आप यहाँ पर जो स्क्रीनशॉट लेके रखेंगे यहाँ पर विड्रॉल का जो भी आपका नहीं हुआ है तो आपको बेनिफिट हो जाते हैं। यहाँ पर आपको लेके रखना है, डायरेक्ट कस्टमर सपोर्ट पर आना है, सर्विस पर आना है। ईमेल का ऑप्शन आपको डायरेक्ट नहीं मिलता है, ईमेल को यहाँ पर जो है कॉपीड आपको करना है। कॉपी करने के बाद आपने जिस अकाउंट से ईमेल के थ्रू आपने जिस ईमेल के थ्रू आपने अकाउंट क्रिएट किया उसी के थ्रू आपको यहाँ पर ईमेल से जाना है। वहाँ पर जाने के बाद आपको डायरेक्टली इनसे बात करनी हो, जो मैंने आपको बताया फंडिंग रिकॉर्ड पर आने के बाद, जो आपको फंडिंग रिकॉर्ड पर आने के बाद आपको यहाँ पर जो अपना होता है हिस्ट्री होता है उसका यहाँ पर विड्रॉल का, डिपॉजिट का, उसका आपको स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद ही आपको डायरेक्टली यहाँ पर जो है फंडिंग कस्टमर सपोर्ट से आपको बात करनी होगी। ये हो चुका है आपका फिक्स के ऑप्शन में, आपको चीज़ें मिल जाती है, हाउ टू विड्रॉ, ट्रांजेक्शन हिस्ट्री, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाती है कि ट्रांजेक्शन में यहाँ पर कहाँ मिलने वाली है, सारी चीज़ें आपको बेसिक तरीके से मिल जाती है। और मैंने आपको अभी अच्छे तरीके से यहाँ पर क्लियर भी कर दिया। थीम की अगर मैं बात करूँ तो लाइट, डायरेक्ट, ये सारे ऑप्शन होते हैं कि आप कैसा इसको रखना चाहते हैं एप्लीकेशन को। तो बेसिक चीज़ें आपको मैंने क्लियरली बताई। अगर अब मैं यहाँ पर बात करूँ, जैसे मैंने आपको बता दिया कि भाई कैंडल ऑप्शन बेटर तरीके से मैं आपको क्लियर कर सकता हूँ कि कैसे यहाँ पर ट्रेडिंग की जाती है, और आपने समझा भी कि हाँ भाई मैंने आपको लाइव भी दिखाया कि कैंडल ऑप्शन तरीके से मैंने कुछ कैंडल्स को समझ के यहाँ पर आपको लाइव ट्रेड करके दिखाया। अच्छे खासे तरीके से आपको मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, बट मेरे पास इतना टाइम रहता नहीं है कि आपको मैं कैंडल के थ्रू कुछ चीज़ों को लाइव ट्रेडिंग करा सकता हूँ, और यहाँ पर जो यूट्यूब की जो गाइडलाइन होती है उसके भी ये खिलाफ होता है, तो यहाँ पर हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। बट अगर इस एप्लीकेशन के बारे में हम यूज़ करने के बारे में बात करें तो मैं अभी आपको मना करूँगा, क्योंकि मुझे इसके अंदर ऐसा कोई बेटर ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है कि भाई आप लोग यहाँ पर एप्लीकेशन को यूज़ करें। नहीं, हम कह नहीं सकते कि बेटर ऑप्शन है, बिल्कुल नहीं कर सकते ये, क्योंकि कैंडल ऑप्शन यूज़ करेंगे उसके अंदर भी हमें सिग्नल इंडिकेटर के कई ऑप्शन की ज़रूरत पड़ती है जो हमें यहाँ पर बिल्कुल भी दिखाई नहीं देते हैं। आप यहाँ पर कह सकते हैं कुछ लोग कि नहीं बेटर एप्लीकेशन है, बट मैं ये कहूँगा कि नहीं भाई, बेटर एप्लीकेशन बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि एप्लीकेशन को यूज़ करेंगे तो आपको 100% लॉस होने वाला है, और सबसे ज़्यादा इसकी प्रॉब्लम्स है वो आपको यहाँ पर जो है विड्रॉल्स के अंदर देखने के लिए मिलने वाली है। तो मैं कहूँगा कि नहीं भाई, आप एप्लीकेशन को बिल्कुल यूज़ ना करें। अभी यहाँ पर कुछ लोग कह सकते हैं उनके अपने अपने हिसाब से, बट आप लोगों को मैं रिकमेंड बिल्कुल नहीं करने वाला हूँ एप्लीकेशन को। मैं कहूँगा कि एप्लीकेशन भाई बिल्कुल यूज़ ना करें। तो भाई इस वीडियो के अंदर इतना, अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।